दोस्तों, यह है टाटा नेक्सॉन SMS। बाहर से मैं पहले आपको इसके दर्शन करा देता हूँ। जी हाँ, ये सनरूफ के साथ आती है। इसका पीछे का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा। इसको आप कह सकते हैं मतलब कॉम्पैक्ट SUV का के कैटेगरी का है ये। ऑफ रोडिंग और सिटी के लिए बेस्ट है। माइलेज परफॉर्मेंस भी बढ़िया है और आप तो जानते हैं टाटा नेक्सॉन किस लिए फेमस है। ये फेमस है अपने बिल्ड क्वालिटी के लिए। और ये आप टच जब करेंगे इसको तो आपको समझ में आएगा कि ये बाकी गाड़ियों की तरह नहीं है। भाइयों, ये है ड्राइविंग मोड, ये इकोनॉमी मोड है सिटी में चलने के लिए। ये जब आप स्पोर्ट्स मोड करेंगे तो आपकी गाड़ी स्पोर्ट्स कार की तरह बिल्कुल स्पीड से निकलेगी 6 गियर में। और ये है सिटी मोड जो हमारे शहर में चलाने के लिए। आइए भाई, अब इसको अंदर से देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे फीचर्स हैं इस गाड़ी में, पर मैं आपको शॉर्ट में सारी चीज़ें बता देता हूँ। और हाँ भाई, इसका नंबर प्लेट थोड़ा स्पेशल है, ऑल इंडिया पासिंग है। और अगर आपको इसके लिए अलग से, अगर क्योंकि आप कोई भी राज्य में जाएंगे, इधर उधर आपका ट्रांसफ़र होगा, तो आपको कभी भी नंबर चेंज नहीं करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन आपकी गाड़ी का। ठीक है भाई, स्पेशल चीज़ें बता देता हूँ मैं एक बार। ये देखिए, 6 गियर है, 6 गियर है और एक रिवर्स है। रिवर्स कैसे लेंगे भाई? रिवर्स ऐसे ही लेंगे, यहाँ पे एक लीवर है। ये देखिए, आप दिख जाए तो मैं दिखाता हूँ भाई। ये देखिए, ये लीवर है, ये लीवर दबा के अगर आप पीछे 6ठे गियर पे लेंगे ना, तो ये गाड़ी रिवर्स जाएगी। एक स्पेशल चीज जो इसमें है वो है कि सब कुछ ऑटोमेटिक है भाई, हर एक चीज ऑटोमेटिक है। ये सनरूफ अपना खुला, ये जब बारिश आएगी तो ये सनरूफ अपने आप बंद हो जाएगा भाई, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा भाई। अभी बारिश हो नहीं रही, नहीं तो मैं दिखाता आपको। ये देखिए, ये वेंटिलेशन के लिए है, ये हल्का सा ऐसे टिल्ट हो जाता है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। इसका भाई वाइपर भी ऑटोमेटिक है, बारिश स्टार्ट होती है अपने आप चलना स्टार्ट हो जाता है भाई। इसका लाइट भी ऑटोमेटिक है, अगर आप इसको ऑटो पे सेट करके रखेंगे जैसे मैंने कर रखा है ए, तो लाइट भी ऑटोमेटिक है, वो अपने आप अंधेरे में उस हिसाब से ग्लो करती है। लाइट में जब लाइट होती है तो डिम पे चलती है, जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है तो उसका फोकस हाई हो जाता है। ठीक है भाई, और अपन इसमें ये है, अब देख लीजिए पीछे स्पेस भी काफ़ी है, पीछे भी सीट बेल्ट्स हैं, स्पेस भी काफ़ी है, बूट स्पेस भी 300 लीटर के आसपास है। तो ओवरऑल गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है ना। ठीक है भाई, साइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी मच।